हाथ भी तो यहाँ से टूट रहा और नहीं मार रहा है क्योंकि अपने सुन रहा फट रहे थे हम घर बेच कर भी अपने बच्चे को भी आज पे भी मकान बेचे थे जगह लगाया था भट्टे पर पड़े भट्टे के वाले पर भी 50-60 हज़ार रुपये लेकर नहीं एमरजेंसी में ले गए थे जब भी ठीक ना हो मेरे बच्चा आप भी विकलांग हो? हाँ जी। कितने साल का बच्चा आपका? 15 साल का है जी। है जी? 15 साल का। क्या नाम है आपका? नसीबुद्दीन। जी ऑपरेशन होना है आपका? हाँ जी ऑपरेशन हो रहा है इसमें पैसे की जरूरत पड़ी थी ब्लड ऑपरेशन में। अच्छा अच्छा। हाँ जी इस वजह से मतलब मैं कर पाता नहीं कुछ भी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के एक हॉस्पिटल में और ये हमारी बहन है ये अपाइज है और ये इनके 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 शोहर है ये भी अपाइज है और विकलांग है और दूसरा ऑपरेशन उनका हो रहा है लेकिन मैं इनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि इनकी हालत देख लीजिए आप थोड़ा सी इधर आइए। ये इनका बच्चा है ये इनका 12 साल का बच्चा है और इसका एक्सीडेंट हो गया है इसके जो माउथ है जो मुंह है मुंह का ऑपरेशन होना है इसकी 2-3 जगह से यहाँ से और यहाँ से यहाँ से इसकी हड्डी टूटी हुई है और इसके प्लेट डलेगी। इनका ऑपरेशन बेहद ही गरीब ये परिवार है ये दोनों हस्बैंड वाइफ ये विकलांग हैं इनका भी ऑपरेशन होना है। ये इनके फालिद साहब हैं ये इनकी माँ है क्या नाम है आपका? राहिला इनका नाम है। तो कैसे हुआ था ये बच्चे का? जी ये बच्चा जो है ये बाइक से गिर गया था तो पूरे गांव में सिर्फ 3,000 रुपए इकट्ठे हो पाए हैं। तो काम क्या करते हो आप? जी भट्टे पे जाते हैं जब से तो चोट लगी है भट्टे पे भी नहीं जा रहे भट्टे पे जा रहे ईंट बनाते ईंट ईंट बनाते थे आप ईंट ईंट भट्टे पे जी। और कौन बड़ा कौन है? बड़ा ये बड़ा बच्चा यही है बड़ा यही है इसका सब छोटी लड़की है। तो डॉक्टर ने क्या बताया? अभी कोई बताया नहीं प्लेट डालने को बता रहा प्लेट डलेगी जी ऑपरेशन दोनों हड्डी अलग हो रही है दोनों हड्डी अलग हो गई भाई करना रॉड आप दोनों विकलांग हो जी चलो अल्लाह ख्याल करे अभी मुझसे जो मदद होगी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ ठीक है ना। ये 5,000 रुपए हैं ठीक है बहन जी ये मेरी तरफ से अकेले अच्छा ठीक है जी मेरी तरफ से आपको 5,000 रुपए की मदद दी जा रही है आप इन 5,000 से अपने बच्चे का इलाज करें क्योंकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हैं तो इंशाल्लाह आपका ज्यादा खर्चा नहीं होगा और मैं हिम्मत से काम लीजिए इंशाल्लाह आपका अल्लाह आपको सेहत दे आपके बच्चे को सेहत दे हमसे जितनी मदद होती है इंशाल्लाह हम करते रहेंगे ठीक है जी। ये मेरी तरफ से आपको 5,000 रुपए की छोटी सी मदद है आपके भाई की तरफ से ठीक है। मैं हॉस्पिटल में हूँ दिल्ली इलाके के और मुझसे जो मदद हुई मैंने इस भाई की मदद की ये तो हमसे पर्सनली हम जितनी मदद कर सकते हैं मेरे भाई हम आपको मदद कर रहे हैं ठीक है। आज के दौर में कोई किसी के मदद के लिए नहीं आता। मैं आपको जानता हूँ बताइए जानता हूँ आपको नहीं। मैं आपको जानता नहीं हूँ मुझे आप पता नहीं आप कौन हो कहाँ से हो आपके लिए फोन आया था बस मेरे से जो हुआ मैंने किया आपसे पहले मुझे देखा था कि आपने नहीं देखा नहीं नहीं मेहरबानी जी बस शुक्र अदा करो कि अल्लाह इस काम को जो मैं काम कर रहा हूँ उसको हमेशा मरते दम तक जब तक मैं रहूँ इस काम को करने वाला बनाए ठीक है बेटा ठीक हो जाओगे तुम ठीक है सबको हाय बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? अरमान। तो ये अरमान भाई है और ये इनके वालिद साहब क्या नाम है तुम्हारा? नसीबुद्दीन। और तुम्हारा? राहिला। और इनका बच्चा है अरमान ये 12 साल का है और एक रोड एक्सीडेंट में इसका जो माउथ है वो टूट गया इसका और उसमें प्लेट डलेगी लेकिन हमसे जितनी मदद हुई हमने मदद की और मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे हम मदद कर रहे हैं ऐसे आप लोग भी अपने अपने इलाकों में आके मदद कीजिए ऐसे लोगों की क्योंकि ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तैक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।